हे गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल ग्लैम ग्लैमर क्वीन सो गाइज आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी डी आ व रेमेडी जिसकी हेल्प से सर्दियों के मौसम में आप अपनी स्किन को वाइट एंड ब्राइट एंड ग्लोइंग बना सकते हैं स्पॉटलेस बना सकते हैं और शाइनी बना सकते हैं सर्दियों के मौसम में क्या होता है कि स्किन बहुत ज़्यादा डल फील करने लगती है स्किन का जो ग्लो होता है वो कहीं चला जाता है स्किन बहुत ज़्यादा फटी फटी रूखी बेजान सी लगती है अगर आपको भी लगता है कि सर्दियों के मौसम में आपकी स्किन भी ऐसी हो जाती है तो आज से ही अभी से ही शुरू कर दीजिए अपनी स्किन की केयर करना ताकि सर्दियों के मौसम में आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग शाइनी और सॉफ्ट स्मूद रहे तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के हमें इस डियावे रेमेडी को किस तरीके से बनाना है इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको एक क्लीन बोल लेना है जिसमें आपको ऐड करना है चंदन पाउडर डेढ़ चम्मच चंदन पाउडर ले लीजिए चंदन पाउडर स्किन को व्हाइट एंड ब्राइटन बनाएगा ग्लोइंग बनाएगा डीपली क्लीन करेगा स्किन जो डल फील कर रही है स्किन में शाइन लेकर आएगा और स्किन को ग्लोइंग बनाएगा तो डेढ़ चम्मच चंदन पाउडर ले लीजिए उसके बाद अगली चीज़ जो मैं इसमें ऐड करने वाली वो है नीम लीव्स पाउडर अगर आपको लगता है कि आपके स्किन में बहुत ज़्यादा दाग धब्बे झाइयों की प्रॉब्लम भी है तो नीम पाउडर बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है एक चम्मच नीम पाउडर ले लीजिए और ये सर्दियों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है स्किन जब डल फील करती है तो चंदन पाउडर और नीम पाउडर बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रेमेडी है स्किन को स्पॉटलेस बनाने के लिए शाइनी बनाने के लिए और ग्लोइंग बनाने के लिए इन दोनों को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है उसके बाद मैस में ऐड करूँगी रॉ मिल्क यानी कच्चा दूध आपको इसमें पाँच से छः चम्मच कच्चा दूध लेना है आपको कच्चा दूध ही लेना है बॉयल मिल्क नहीं लेना है कच्चा दूध नहीं है तो दही ले लीजिए या फिर रोज़ वाटर भी ले लीजिए जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसे यूज़ कर लीजिए आपको एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार करना है जो आपके फेस पर अच्छे से अप्लाई हो सके तो बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और आपको ध्यान रखना है कि इस पैक में कोई लम्ब नहीं रहने चाहिए बहुत ही स्मूथ क्रीमी सा पेस्ट तैयार हो जाना चाहिए जो आपके फेस पर अच्छे से अप्लाई हो सके तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया और आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी आपको बिल्कुल इसी तरीके की रखनी है ना ज़्यादा थिक होनी चाहिए और ना ज़्यादा रनि होनी चाहिए तो अब मेरा डी आई वाई पैक एकदम रेडी हो चुका है बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है इफ़ेक्टिव है स्किन को कोई हार्म नहीं होगा अब बात करते हैं कि इसे यूज़ किस तरीके से करना है यूज़ करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है यूज़ करने से पहले अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिए और उसके बाद आपको क्या करना है स्मूथली मसाज करते हुए आपको इसे अपने फेस पर अप्लाई करना है बहुत ही स्मूथली मसाज करनी है ज़ोर ज़ोर से अपने फेस को बिल्कुल नहीं रगड़ना है स्मूथली मसाज करते हुए इसे अपने फेस पर अप्लाई करना है दो से तीन मिनट तक अपने फेस की मसाज करनी है मसाज करने से क्या होगा कि जो ये पैक है वो आपके स्किन पे अंदर तक जाएगा जिससे आपके स्किन जो रूखी रूखी बेजान फटी फटी फील कर रही है इससे आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहेगी सॉफ्ट स्मूथ रहेगी स्किन जो डल फील कर रही है स्किन में शाइन आएगी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग और स्पॉटलेस हो जाएगी रेगुलर यूज़ करोगे तो स्किन की सारी प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाएगी अगर आपके स्किन में दाग धब्बे झाइया पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो गया है तो ये रेमेडी ऑल इन वन पैक है आपके स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को भी दूर करेगा जब ये पैक अच्छे से सूख जाए तब आपको नॉर्मल वाटर से अपने फेस को वॉश कर लेना है आप देख सकते हैं कि मेरा फेस कितना ज़्यादा ग्लोइंग और शाइन नज़र आ रहा है इसके पहले ही उससे तो इसे आप ज़रूर ट्राई करें इस पैक का कोई इफेक्ट नहीं होगा आपके फेस पर नैचुरल है इफ़ेक्टिव भी है आपके फेस पर हार्म बिल्कुल नहीं पहुँचाएगा नेचुरल चीज़ें हैं क्योंकि मार्केट के महंगे महंगे फेशियल क्रीम पाउडर यूज़ करने के बजाय घर के बने नेचुरल पैक यूज़ करोगे तो स्किन को कोई हार्म नहीं होगा बल्कि स्किन की सारी प्रॉब्लम्स दूर होगी और स्किन व्हाइट एंड ब्राइट एंड स्पॉटलेस होगी तो आज से इस पैक को लगाना शुरू कर दीजिए तो आज के लिए सिर्फ इतना ही अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें मैम लूँगी आपको अगली नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बा बाय टेक केयर